प्यारे बच्चों, 11th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन पर लेक्चर चल रहा है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का हम सलूशन करने वाले हैं। इसके पहले आप लोगों ने इस पर जो इसकी जो थ्योरी है, इस एक्सरसाइज में जो यूज होने वाली है वो रिलेशन है। रिलेशन के बारे में आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हो कि रिलेशन की डिफिनेशन क्या है। रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका रिलेशन कैसे कायम होता है और वो कब कोई रिलेशन रिलेशन कहलाएगा और कब कोई रिलेशन रिलेशन नहीं कहलाएगा, ये भी आप सीख चुके हो। और एक सेट के ऑब्जेक्ट से, एक सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, उसका दूसरे सेट के ऑब्जेक्ट या दूसरे सेट के एलिमेंट से क्या रिलेशन है और कितने रिलेशन बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने होंगे, इसको भी हम आपको बता चुके हैं। आज उसी पर एक्सरसाइज है। अगर एक्चुअली आपने वो लेक्चर सुन लिया है, समझ लिया है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। मगर शर्त है कि आपको जो है उसको रिलेशन क्या है उसको समझना होगा। जब तक आप समझोगे नहीं सवाल को, कोई मज़ा नहीं आएगा आपको। मैथमेटिक्स बार बार कहता हूँ कि वो बहुत इजी है, बस शर्त है कि आपका बेसिक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए कि सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 14 एंड रिलेशन आर इज इक्वल टू, रिलेशन आर यहां डिफाइंड है, एक्स वाई सच दैट 3x - y इक्वल टू 0, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। यानी रिलेशन हमारा सेट ए से सेट ए पर है। हमने बताया था कि जब रिलेशन सेट ए से सेट ए पर हो तो उसको हम कहते हैं रिलेशन इन ए और रिलेशन ऑन ए, या संबंध ए का संबंध, ए का ए पर संबंध, ए पर संबंध कहते हैं सिर्फ, या ए में भी संबंध कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो कह रहे हैं द्वारा ए से ए का संबंध, आर लिखिए, इसके प्रांत सह प्रांत नौ परिसर लिखिए। इसको भी हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं आपको। अगर आपने लेक्चर देख लिया है तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल हलवा है हलवा। सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया उसको पहले लिख लेते हैं। सेट दिया हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 14। रिलेशन आर दिया हुआ है, रिलेशन आर इज इक्वल टू, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x - y इक्वल टू 0, जहां एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। किस फॉर्म में दिया हुआ है? हमने बताया था रिलेशन लिखने के तीन तरीके हैं मुख्य रूप से। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, यहां लिख सकते हो सेट बिल्डर, समुच्चय निर्माण रूप भी कहते हैं। ए सेट बिल्डर फॉर्म में ए रिलेशन हमारा डिफाइंड है। तो जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन हो उसको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए दिस इज इक्वल टू, ये रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x - y इक्वल टू 0। 3x - y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? 3x - y इक्वल टू 0 implies that y is equal to 3x. y is equal to 3x. x क्या है? देखो ordered pair x y है, तो x जो है a का element है और y भी a का element है, क्योंकि set a से a में defined है, ये भी set a है, set a एलिमेंट इसके क्या है, 1, 2, 3, 4,
5, 6, ...... 14। इसके भी ये एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। अभी देखते हैं और लिखते हैं जरूरत के हिसाब से। तो y = 3x है। तो आप देखिए जब x = 1 लेंगे, जब x = 1 तो y = 2 आ जाएगा 3 के। इसका मतलब 1 का रिलेशन 3 से ऐसे। फिर x = 2 लेंगे तो y = 3x है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 का रिलेशन 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 का रिलेशन हो गया 6। x = 3 तो y = कितना हो जाएगा 3x। 3 × 3 = 9 3 तो 3 × 9 = 7, 8, 9। 3 का रिलेशन हो गया 9। फिर x = 4 तो y = 3 × 12। तो 4 का रिलेशन किससे है, यहाँ 10 लिख ले रहे हैं, 11 यहाँ 12। 4 का रिलेशन 12 से हो गया। x = 5 ले लेंगे तो y = आ जाएगा 15। तो 15 इसके अंदर है ही नहीं, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो 12, 10, 11, 12, 13 और उसके बाद हो गए 14। तो 1 is related to 3 by the relation r 1, 3। देखिए हो जाएगा 1, 3 फिर 2, 6 फिर 3, 9 फिर 4, 12। ये हमारा रिलेशन जो आया, ये किस फॉर्म में रिलेशन है, ये टेबुलर फॉर्म में है। हमेशा जो है टेबुलर फॉर्म में बदल लेंगे, सॉरी रोस्टर फॉर्म, क्योंकि बुक में रोस्टर है, रोस्टर फॉर्म में हमने रिलेशन को कन्वर्ट कर लिया। अब क्या कह रहे हैं, संबंध आर लिखिए, तो आर हमने लिख लिया। इसके प्रांत सह प्रांत एवं परिसर लिखिए, तब लिखेंगे आर का प्रांत यानी डोमेन ऑफ रिलेशन आर इजुकल टू क्या होता है, सेट होता है। कैसा सेट, ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका पहला एलिमेंट से बना यानी फर्स्ट कंपोनेंट से बना जो सेट होता है वो क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। दिस इज इक्वल टू संबंध आर के कर्मित युग्म यानी ऑर्डर पेयर के प्रथम घटक से घटकों से बना सेट या समुच्चय। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब प्रथम घटक का देखो क्या है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट है, लेकिन ये पूरे सारे एलिमेंट डोमेन नहीं है, सारे जो है प्रांत नहीं है, बल्कि वे सारे एलिमेंट जो इस सेट के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। अब हमने कहा था डिफिनेशन में एक सेट से दूसरे सेट का जो रिलेशन होगा, तो यहां रिलेशन कंडीशन क्या है, कंडीशन है 3x - y = 0 आर y = 3x यानी इस सेट के एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से 3 गुना है। हम कह सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट का 3 गुना जो होगा उसी से रिलेशन है। इस सेट जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट यहां है, जो संख्याएं इसमें है वही संख्याएं इसमें है, लेकिन सबका सबसे रिलेशन नहीं है। रिलेशन के लिए एक शर्त दी हुई है
कि इसका जो एलिमेंट होगा इसके एलिमेंट का तीन गुना होगा। इसके एलिमेंट कह रहे हैं कि हम उसी से रिलेशन कायम करेंगे जो हमसे तीन गुना ज्यादा होगा। तो एक का तीन गुना तीन हो गया, तो वन का रिलेशन थ्री से हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे, वन इज रिलेटेड टू थ्री। वन थ्री का मतलब यही होता है, वन थ्री। इसका मतलब हुआ कि वन इज रिलेटेड टू थ्री बाय द रिलेशन, और लिखेंगे वन इज रिलेटेड टू थ्री बाय रिलेशन आर, वेयर आर इज इक्वल टू, आर क्या चीज है, तीन गुना, तिगुना है, आर इज इक्वल टू तिगुना, थ्री टाइम्स। क्लियर? ऐसे सारे एलिमेंट के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डोमेन। अब लिखेंगे रेंज। रेंज क्या होता है? वो डोमेन के वे सारे एलिमेंट जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। तो कौन कौन एलिमेंट रिलेटेड हैं? थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व, ये तो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो। और यहां कह सकते हो कि जो ऑर्डर्ड रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकंड कंपोनेंट, तो सेकंड कंपोनेंट थ्री है, सिक्स नाइन ट्वेल्व। तो लिखेंगे आर का परिसर यानी रेंज ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू संबंध आर के कर्मित युग्म के द्वितीय घटकों माने सेकंड कंपोनेंट से बना समुच्चय, यानी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट से जो सेट बन रहा है वही हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। दिस इज इक्वल टू, आप चाहे यहां देख लो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व, यहां देख लो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व। ये सेट जो लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां जो सेट लिखा हुआ है रिलेशन जो लिखा गया है रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, रिलेशन आर इज इक्वल टू, यहां जो लिखा गया है एरो डायग्राम फॉर्म में लिखा गया। तो तीनों फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को कर दिया ताकि आपको कोई ना कोई समझ में आपके आ जाए। क्लियर? और क्या पूछ रहे हैं? कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है? सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है रिलेशन हमारा, तो दूसरा वाला जो सेट होगा तो यहां दोनों सेट एक ही है। अगर ए से बी में होता तो बी कोडोमेन होता, यहां ए से ए में है तो ए कोडोमेन हो गया। तो लिखेंगे आर का सह प्रांत यानी कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू सेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर डॉट 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 अप टू 14 तक। क्लियर? इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। x संख्या चार से कम एक प्राकृत संख्या है और x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n के द्वारा एक संबंध R परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में तथा इसके प्रांत एवं परिसर लिखिए। चलिए सॉल्यूशन। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर यानी n से n में डिफाइंड है रिलेशन, यहां n इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर डॉट 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 नेचुरल नंबर का सेट दिया हो, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट डॉट डॉट डॉट। इस सेट के भी एलिमेंट नेचुरल नंबर है, इस सेट के भी एलिमेंट
नेचुरल नंबर है, दोनों सेम है, यानी रिलेशन इन यन, रिलेशन ऑन यन, रिलेशन फ्रॉम यन टू यन भी कह सकते हो, यन इज इक्वल टू इतना रिलेशन हमारा क्या दिया हुआ है, यन से यन संबंध द्वारा एक संबंध आर, संबंध आर, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, एक्स संख्या चार से कम है, एक्स इज लेस देन फोर, और एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी दिया हुआ है। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन हमारा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रिलेशन संबंध आर इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म, दिस इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स इसका एलिमेंट है, वाई इसका एलिमेंट है, यानी दोनों सेम है, लेकिन शर्त क्या है, एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है और वाई जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, ये सारे एक्स हैं और ये सारे वाई हैं, लेकिन इसमें वाई ओ हैं जो इस शर्त को पूरा कर रहा हूं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, वाई इक्वल टू दिया हुआ एक्स प्लस फाइव, यानी इसके जैसे अगर एक्स इक्वल टू वन ले लो तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिक्स, एक्स इक्वल टू वन इंप्लाइज दैट वाई इक्वल टू सिक्स, वन प्लस फाइव लिख दें हम यहां पर, वाई इक्वल टू वन प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स, यानी वन का रिलेशन सिक्स है, यही रोस्टर फॉर्म हो गया, वन का रिलेशन सिक्स है, एक्स इज इक्वल टू टू ले लें वो आ जाएगा वाई इक्वल टू टू प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन, टू का रिलेशन सेवन से है, एक्स इक्वल टू थ्री ले लें वाई इक्वल टू आ जाएगा थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू एट, यानी थ्री का रिलेशन किससे हो गया, एट से हो गया, तो थ्री कामा एट के, और दिया हुआ है कि एक्स इज लेस देन फोर, यानी एक्स का मान चार से कम है, इसका मतलब एक दो तीन ही तक हम लेंगे, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि शर्त दी हुई है। अब इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड हैं, क्या शर्त है कि वे एलिमेंट रिलेटेड हैं जो इससे पांच ज्यादा हो, तो एक से पांच ज्यादा है तो हो गया छह, जैसे एक का रिलेशन एक से नहीं होगा, दो से नहीं होगा, तीन से नहीं होगा, किसी और से नहीं होगा, वन इज रिलेटेड टू सिक्स बाई द रिलेशन आर, वेयर आर इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, संबंध क्या दिया हुआ कि इसका जो एलिमेंट होगा उससे पांच ज्यादा होगा, ऐसे दो है तो दो से पांच ज्यादा सात हो गया, तीन है तीन से पांच ज्यादा तो आठ हो गया, ये रिलेशन हुआ, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म, ये रिलेशन कैसे है, ये रिलेशन है हमारा एरो डायग्राम फॉर्म में, क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, तो रोस्टर रूप में हमने लिख दिया, इसके प्रांत एवं परिसर लिखिए, तो लिखेंगे रिलेशन आर का प्रांत यानी डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ये फिगर नहीं है, यही आपने सिर्फ लिखा है, तो हम कहेंगे कि रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट से बना समुच्चय, क्या लिखेंगे, आर के ऑर्डर्ड पेयर
के फर्स्ट कंपोनेंट से बना समुच्चय, तो क्या हो जाएगा, वन फिर टू फिर थ्री, ये हमारा हो गया, यानी वन टू थ्री। या इसी को सिंपल भाषा में ले सकते हैं कि सेट, इस सेट के वे सारे एलिमेंट जो इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हों उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और रेंज क्या होगा, इस सेट के वे सारे एलिमेंट जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हों, तो क्या हो गए, 6, 7, 8 रिलेटेड हैं, तो लिखेंगे आर का परिसर यानी रेंज ऑफ, रेंज ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर के ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट द्वितीय घटक से बना सेट यानी समुच्चय। दिस इज इक्वल टू क्या है, 6, 7, 8, 6, 7, 8 क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है। तो तीनों मेथड हमने लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम फॉर्म, क्लियर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहे हैं सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 5 और सेट बी इक्वल टू 4, 6, 9। ए से बी में एक संबंध आर, एक्स वाई सच दैट एक्स था वाई का अंतर विषम, यानी ए के एलिमेंट और बी के वे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे जिनका डिफरेंस विषम संख्या हो, ये शर्त है, ये रिलेशन कायम करने की शर्त है। जैसे समाज के अंदर जब रिश्ता आदमी ढूंढने जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, तो कुछ शर्त लगाते हैं कि भैया हम शादी तभी करेंगे जब हमारी ये शर्त पूरी हो। लड़के की शर्त कुछ और होती है, लड़की की भी शर्त कुछ और होती है, और अलग अलग लोगों की यहाँ अलग अलग शर्तें होती हैं। तो ऐसे यहाँ भी दो सेट के जो एलिमेंट्स हैं, आप इसके पहले हम बता चुके हैं, सेट सेट के एलिमेंट्स जो होंगे वो संख्याएं भी हो सकती हैं, वो व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो मर्द भी हो सकते हैं, वो औरतें भी हो सकती हैं, वो प्लेयर भी हो सकते हैं, वो रेखाएं भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर संख्याएं हैं, तो ए और बी के उन्हीं एलिमेंट का रिलेशन कायम होगा, संबंध कायम होगा, जिनमें डिफरेंस जो है, जो जिनका डिफरेंस जो है विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसका ध्यान देना है। द्वारा परिभाषित कीजिए, आर को रोस्टर रूप में भी लिखिए। तो मैं तो हर क्वेश्चन को तीनों रूप में लिख दे रहा हूं, आपको आसानी होगी समझने में। यहां ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5 और बी इज इक्वल टू 4, 6, 9। सेट ए से सेट बी में रिलेशन कायम होना है, वो शर्त दी हुई, लिखेंगे ए से बी में संबंध आर इज इक्वल टू ए से बी में संबंध आर इज इक्वल टू, इसको कहेंगे रिलेशन, रिलेशन आर इन ए, रिलेशन आर ऑन ए, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ए टू बी, सॉरी सॉरी इन ए नहीं कहेंगे क्योंकि दो सेट अलग अलग हैं, वेरी सॉरी, वो तो जब सेट दोनों सेम रहेंगे तब इन कहेंगे या ऑन कहेंगे, यहाँ दोनों सेट अलग हैं तो हम कहेंगे रिलेशन, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स, एक्स डिफरेंस वाई इज इक्वल टू विषम संख्या, क्या है विषम संख्या, एक्स डिफरेंस मैंने चाहे एक्स में से वाई को घटाओ चाहे वाई में से, जैसे 1-3 कहो या 3-1 कहो, दोनों का डिफरेंस है, शर्त नहीं है कि एक्स में से वाई को घटाया जाए या वाई में से एक्स घटाया जाए, तब तो प्लस और माइनस है, बात डिफरेंस की है,
विषम संख्या, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ये किस फॉर्म में लिखा गया है? ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ। इसको किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना। a से b में संबंध r, ये रोस्टर रूप में तो हो जाएगा। क्या है भैया कि x के वे एलिमेंट y के उन एलिमेंट से रिलेटेड होंगे जिनका डिफरेंस विषम संख्या हो। इसको आप फिगर से समझ लीजिए। आप हीरो डायग्राम, सेट ए, सेट बी, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 4 6 9, 4 6 9। अब आप देखिए 1 जो है 4 से रिलेटेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 1 4 का रिलेशन कायम हो जाएगा। 1 4 का रिलेशन हमारा कायम होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर देखते हैं 1 6 का भी रिलेशन कायम होगा। कैसे? क्योंकि 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, यहाँ 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 1 और 6 का रिलेशन होगा। 1 माइनस 4 यानी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये विषम संख्या है। 1 इज रिलेटेड टू 4, क्यों? क्योंकि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। फिर 1 इज रिलेटेड टू 6, क्यों? क्योंकि 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ये विषम संख्या है। अब चलते हैं 1 और 9 का रिलेशन देखते हैं। तो 1 और 9 का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, इसलिए रिलेशन नहीं होगा। फिर चलते हैं 2 और 4 का चेक करते हैं। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इवन नंबर आ गया। 2 माइनस 6 या 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, वो भी इवन नंबर आ गया। अब देखें 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो 2 का रिलेशन 9 से कायम हो जाएगा। 2 का 9 से कायम होगा और बाकी किसी से नहीं कायम होगा, क्योंकि शर्त नहीं पूरी हो रही है। जब रिश्ता खोजने जाते हो, कहते हो कि रिश्ता हमको ऐसे ऐसे चाहिए, तो यहाँ भी रिश्ता जो दो वाला दो संख्या दो, उन्हीं संख्याओं से रिश्ता कायम करेगी। वो कहेगी जिसका अंतर जो है ऑड नंबर आए, विषम संख्या आए। तो 2 इज रिलेटेड टू 9, क्यों? क्योंकि 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, जो कि विषम संख्या है। तो 2 9 हो गया। ठीक, अब चेक करते हैं 3 को। 3 का 4 से कोई रिलेशन हो पाएगा? हो पाएगा, क्यों? क्योंकि 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, विच इज ऑड नंबर। तो 3 इज रिलेटेड टू 4, क्यों? क्योंकि 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, जो कि विषम संख्या है। तो 3 जो है 4 से रिलेटेड है। ठीक, अब 3 को 6 से चेक करते हैं। 3 और 6 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, 3 भी जो है ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो 3 का रिलेशन 6 से होगा, तो 3 6। अब 3 का 9 से चेक करते हैं। तो 9 माइनस 3 इक्वल टू, तो 3 का 6 से हो गया रिलेशन, क्योंकि 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, जो कि विषम संख्या ऑड नंबर है। अब 5 का चेक करते हैं। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ये भी रिलेशन होगा। तो 5 4 भी रिलेशन होगा, क्योंकि 5 r 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ठीक, 5 6 का भी रिलेशन होगा, 5 6 का भी रिलेशन होगा, क्योंकि 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 r 6, क्योंकि 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, जो कि ऑड नंबर। तो 5 6 का भी रिलेशन हो गया। ठीक, अब 5 9 का होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 आता है, जो कि ऑड नंबर नहीं बल्कि इवन नंबर है। तो देखो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, जो कि विषम है। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, विषम। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, विषम। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, विषम। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, विषम। और 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, जो कि विषम संख्या। तो ये किस फॉर्म में लिखा गया? ये रोस्टर फॉर्म में है। ये हमारा है रोस्टर फॉर्म।
ठीक। तो शर्त ही कि सेट ए के सेट बी के वे एलिमेंट रिलेटेड होंगे जो इस शर्त को पूरी करेंगे। क्या शर्त थी? कि सेट ए के और सेट बी के वे एलिमेंट रिलेटेड होंगे जिनका डिफरेंस ऑड नंबर आए। तो 4-1=3, इसलिए 1 इज रिलेटेड टू 4 बाय द रिलेशन आर, वेयर आर क्या है? दोनों का अंतर है, जिस विषम संख्या है। क्लियर? तो इस तरह से हमारा हो गया। अब क्या कह रहे हैं, परिभाषित कीजिए आर को रोस्टर रूप में लिख दिए। तो हमने रोस्टर रूप में लिख दिया, इसमें और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। क्लियर? यहां पर इतना ही। फोर में कह रहे हैं कि आकृति समुच्चय पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती है, जो आकृति दी हुई है पी से क्यू में एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो देख रहे हो सेट, इस सेट के एलिमेंट 5, 6, 7 है। यहाँ पी के एलिमेंट क्या क्या है? 5, 6, 7। दूसरा सेट क्यू का एलिमेंट क्या है? 3, 4, 5। यहाँ डिफाइंड नहीं है रिलेशन हमारा, परिभाषित नहीं है, बल्कि इसी को देख करके हमको परिभाषित करना है। तो नंबर एक समुच्चय निर्माण रूप में, तो लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में संबंध आर, संबंध आर इज इक्वल टू, लिखेंगे इसे, इस सेट को क्या लिखते हैं एलिमेंट को, यक्स वाई सच दैट, यक्स वाई सच दैट। अब इसके एलिमेंट और इसमें रिलेशन जो दिया हुआ है, अब आप देखिए रिलेशन 5 का 3 से है, 5 का 4 से नहीं है, 5 का 5 से नहीं है, 6 का 4 से है, 7 का 5 से है। तो कुछ समानता, कुछ कंडीशन दिखाई दे रही है। इस सेट के एलिमेंट्स ने इस सेट के एलिमेंट से रिलेशन कायम किया है, शर्त है वहां पर, वही शर्त आपको देखना है, वही कंडीशन देखना है। जैसे शादी में शर्त रखी जाती है कि हमारी भैया ये शर्त है तभी शादी होगी, नहीं होगी। फाइव ने रिलेशन 3 से कायम किया है, 4 से नहीं किया है, 5 से नहीं किया है। 6 ने रिलेशन सिर्फ 4 से किया है, 3 से नहीं किया, 5 से नहीं किया है। 7 रिलेशन 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से कायम किया है। तो क्या शर्त है इस सेट के एलिमेंट्स की, इस समुच्चय के जो अवयव है, क्या शर्त रखे हैं? शर्त रखे हैं कि दो का अंतर है। 5-3=2, 6-4=2 और 7-5=2, ये डिफरेंस है कि भैया हम दो बड़े हैं सबसे। इसमें कहा गया कि हम उसी से कायम करेंगे रिश्ता कि जिससे हम दो बड़े हैं, या हमसे दो छोटा जो होगा। 5 ने नहीं कहा कि एक छोटे वाले ने 4 से हम नहीं करेंगे, बल्कि कहा कि जो दो से दो छोटा होगा। तो 5-3=2, 5 से छोटा है 2 ये, और 4 जो है 6 से छोटा है 2, 5 जो है 7 से 2 कम है। तो लिखेंगे सच दैट यक्स कहाँ का एलिमेंट है? इसका एलिमेंट है। वाई किसका एलिमेंट है? यक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू। तो सच दैट यक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, और यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू पी और वाई बिलोंग्स टू क्यू। ये हमारा हो गया, किसने हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन। दूसरा क्या है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे समुच्चय रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर रूप में संबंध आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? संबंध आर इज इक्वल टू 5-3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, तो हो गया 5-3 और 6-4 और 7-5। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में रिलेशन। अब क्या पूछ रहे हैं? इनके प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत के लिए हमने क्या बताया है कि
रिलेशन के फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट से बना हुआ सेट। तो लिखेंगे आर का प्रांत, इसका प्रांत अपन संबंध आर का प्रांत बराबर आर के कर्मित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के प्रथम घटक यानी फर्स्ट कंपोनेंट से बना समुच्चय, या क्या लिखेंगे इसी को, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर, दिस इज इक्वल टू 5, 6 और 7, या इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि पहले सेट के वे एलिमेंट जो दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो आप देख रहे हो 5, 6, 7 रिलेटेड। अब यही इतने एलिमेंट है, इसके अलावा कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो 5, 6, 7 में क्या हो गया, प्रांत हो गया। फिर आर का परिसर, यानी रेंज ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू आर के कर्मित युग्म के द्वितीय घटक यानी सेकंड कंपोनेंट द्वितीय घटक से बना समुच्चय, यानी सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर के, तो क्या हो गया 3, 4, 5। इस तरह से हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर।